श्री जी हमारे बीच हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, गर्व का क्षण, उल्लास का क्षण, हर्ष का क्षण, आनंद का क्षण। अब माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे देश को मिलने जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक साथ कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृत गैस मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा तथा नई वंदे भारत ट्रेनों, वर्तमान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। अब माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश भर में 760 से अधिक स्थानों पर जुड़े करीब 9,00,000 महानुभाव, आप सभी का इस विकास महोत्सव में स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को भारत की विकास यात्रा का माध्यम बनाया है। आज का ये विकास पर्व प्रधानमंत्री जी की इस बड़ी सोच का साक्षी है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना 2004 में हुई थी। 2004 से 2014 लंबा काल था, 10 साल का। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हो पाया 2004 से 2014। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया, काम में तेजी आई और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में देखिए, वो भी 10 वर्ष थे, ये भी 10 वर्ष। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2,500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया। फर्क साफ है, 2004 से 2014 0 किलोमीटर, 2014 से 2024 2,500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उत्तर भारत के सभी राज्य, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सब को आज, राजस्थान हो, इन सब को आज पश्चिमी तट के सी पोर्ट से, समुद्री बंदरगाहों से सीमलेस कनेक्टिविटी मिली है। विकसित भारत की कल्पना में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। भविष्य की रेलवे की झलक इस फ्रेट कॉरिडोर के कंट्रोल सेंटर में दिखाई देती है। इस एक अकेले कंट्रोल सेंटर से 1,500 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर को एक ही जगह से संचालित किया जाएगा। एक एक इलेक्ट्रिकल पोल, एक एक सिग्नल, एक एक ट्रैक की पॉइंट मशीन, सभी की व्यवस्था, सभी का कंट्रोल इस एक फ्रेट कंट्रोल से होता है। मैं तीसरा उदाहरण दूंगा टेक्नोलॉजी का और प्रधानमंत्री जी की विराट सोच का।
डिजिटली कंट्रोल्ड स्टेशन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 2500 से ज़्यादा डिजिटली कंट्रोल्ड रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल कंट्रोल से स्टेशन की सेफ्टी कई गुने बढ़ जाती है। 2014 से पहले हर वर्ष मात्र 40-50 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल में अपग्रेड करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष 400 से 500 यानी 10 गुने अधिक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल कंट्रोल का हो रहा है। ये तीन उदाहरण आपके सामने रखे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप कई फैक्ट्री, वर्कशॉप, गुड्स शेड, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, जन औषधि केंद्र, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। कुछ ऐसे अच्छे उदाहरण भी हैं जो लोक रुचि के हैं। कई जगह कोच को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है, ऐसे करीब 40 कोच रेस्टोरेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज आप लोकार्पण करेंगे। इन सब कार्यों से आज देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका 140 करोड़ का परिवार आपकी तपस्या में, आपके इस यज्ञ में सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय रेल मंत्री महोदय। माननीय आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर पटिकाओं का अनावरण कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत है आज के समारोह में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। आज तेजी से बदल रहा है भारत। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बीते 10 वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नींव, और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल है नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन,
कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के DFC पर चलने वाली विशेष माल गाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा न्यू घोलवड सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन, साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र को समर्पण एवं 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिट लाइंस, कोचिंग डिपो के साथ फलटन बारामती नई रेल लाइन एवं 9 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण, रेल मार्गों के विद्युतीकरण, रेल मार्गों में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना का भी राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों एवं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी। धन्यवाद इस सूचना प्रद लघु फिल्म के लिए। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। गुजरात के गवर्नर आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्री गण, सांसद गण, विधायक गण, मंत्री गण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर
वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के, इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत, समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं, और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने
राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे, हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी, यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है, इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है, ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे, ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था, हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था, लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं, सबने माना था भाई रेलवे पर ऐसी है मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है कर लेंगे, चिल्लाओ मत, यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इन्हें मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है और मैं आज देश को यह गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा
उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन अब द्वारिका तक जाएगी। और मैं तो अभी ये भी द्वारिका में जाकर के डुबकी लगा के आया हूं। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिला वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक जाएगी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। और इस बार तो कुंभ का मेला होने वाला है तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलुरु तक विस्तार किया गया है। साथियों, हम दुनिया भर में कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म हो रहे हैं, तेज गति से नए रेलवे ट्रैक्स का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्रियां, ये सब 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। साथियों, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत कार्गो टर्मिनल के निर्माण में गति लाई जा रही है। इससे कार्गो टर्मिनल बनने की गति तेज हुई है। लैंड लीजिंग पॉलिसी को और सरल किया गया है। लैंड लीजिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है। इससे काम में पारदर्शिता आई है। देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए रेलवे मंत्रालय के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। हम निरंतर भारतीय रेल को आधुनिक बनाने और देश के कोने कोने को रेल से जुड़ने में जुटे हुए हैं। हम रेलवे से, नेटवर्क से मानव रहित फाटक समाप्त करके ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहे हैं। हम रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहे हैं। हम स्टेशन पर सस्ती दवा वाले जन औषधि केंद्र बना रहे हैं। और साथियों, ये ट्रेनें, ये पटरियां, ये स्टेशन ही नहीं बन रहे बल्कि इनसे मेड इन इंडिया का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। देश में बने लोकोमोटिव हो या ट्रेन के डिब्बे हो, भारत से श्रीलंका, मोजाम्बिक, सेनेगल, म्यांमार, सूडान जैसे देशों तक हमारे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत में बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की डिमांड दुनिया में बढ़ेगी
तो कितने ही नए कारखाने यहां लगेंगे। रेलवे में हो रहे ये सारे प्रयास, रेलवे का ये कायाकल्प, नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा के 10 वर्ष के विकास काल का एक और उदाहरण पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। दशकों से ये डिमांड की जा रही थी कि मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। ऐसा होता तो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों की स्पीड बढ़ती, ये खेती, उद्योग, एक्सपोर्ट, व्यापार, कारोबार, हर काम के लिए ये तेजी लाना बहुत जरूरी था। लेकिन कांग्रेस के राज में ये प्रोजेक्ट लटकता रहा, भटकता रहा, अटकता रहा। बीते 10 वर्षों में पूर्व और पश्चिम के समुद्री तट को जोड़ने वाला ये फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। आज करीब 650 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है। अहमदाबाद में ये अभी आप देख रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। सरकार के प्रयासों से अब इस कॉरिडोर पर माल गाड़ी की स्पीड 2 गुना से अधिक हो गई है। इन कॉरिडोर पर अभी के मुकाबले बड़े वैगन को चलने की क्षमता है, जिनमें हम अधिक सामान ले जा सकते हैं। पूरे फ्रेट कॉरिडोर पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। आज अनेक स्थानों पर रेलवे गुड्स शेड, गतिशक्ति मल्टीमोडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल नियंत्रण स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे लोको शेड, रेलवे डिपो का भी लोकार्पण आज हुआ है। इसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ने ही वाला है। साथियों, भारतीय रेल को हम आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया माध्यम बना रहे हैं। मैं वोकल फॉर लोकल का प्रचारक हूं, तो भारतीय रेल वोकल फॉर लोकल का एक सशक्त माध्यम है। हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, शिल्पकारों, महिला स्वयं समूहों के स्थानीय उत्पाद अब स्टेशन पर बिकेंगे। अभी तक रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के 1500 स्टॉल खुल चुके हैं। इसका लाभ हमारे हजारों गरीब भाई बहनों को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासत भी विकास भी इस मंत्र को साकार करते हुए क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। आज देश में रामायण सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, जैन यात्रा पर गौरव भारत गौरव ट्रेनें चल रही है। यही नहीं, आस्था स्पेशल ट्रेन तो देश के कोने से श्री राम भक्तों को अयोध्या तक ले जा रही है। अब तक करीब
350 आस्था ट्रेनें चली हैं और इनके माध्यम से 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथियों, भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। सभी देशवासियों के सहयोग से विकास का ये उत्सव भी निरंतर जारी रहेगा। एक बार फिर मैं सभी मुख्यमंत्रियों का, गवर्नर जी का और इन 700 से अधिक स्थान पर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े बैठे हैं, कार्यक्रम में आए हैं, और सुबह 9, 9:30 बजे ये कार्यक्रम करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन देश का जनमानस विकास के साथ जुड़ गया है और इसीलिए ये नजारा देखने को मिल रहा है। जो इतनी बड़ी तादाद में आज आए हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, 700 से अधिक जिलों में ये विकास की एक नई लहर उनको अनुभव हो रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।